हेलो एवरीवन, आई एम अटराज शर्मा, वेलकम टू माई चैनल। आते हैं अपन इस लेक्चर, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था आपका इसका फोर्थ पार्ट तक, अब इसमें पार्ट फाइव थर्ड क्वेश्चन का और पार्ट सिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, अब सबसे पहले देखिए आपका इस पार्ट में क्या है। फाइव में आपका गिवन डी इक्वल्स टू फाइव, एस नाइन इक्वल टू 75, फाइंड ए एंड ए एन एन। मतलब इसमें आपको डी की वैल्यू 5 गिवन है, एस नाइन दे रखा 75, तो आपको फाइंड करना है ए और फिर आपको लास्ट में फाइंड करनी है एन एन की वैल्यू। आप देखो यहाँ पे गिवन क्या है, पहले गिवन दैट डी इक्वल्स टू 5 एंड एस नाइन इक्वल्स टू 75, ठीक है। तो करना क्या है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड ए नाइन, दो चीज़ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सिंस एस एन क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला जानते हो गए, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये किसकी वैल्यू होती है, एस एन की, ये हम पहले से जानते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला यूज़ क्यों किया यहाँ पे, यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी किसकी है, तो देखिए ध्यान से, आपके पास गिवन क्या है, डी की वैल्यू जो कि गिवन कितना है 5, और जो एस नाइन है यहाँ से आपको एन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 75। अपने पास डी की वैल्यू आ गया, एन की वैल्यू आ गई, डी और एन, एस नाइन गिवन है, एस नाइन गिवन है 75, सॉरी यहाँ एन की वैल्यू 9 है आपकी, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, ए की वैल्यू इजीली, समझ गए। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए वैल्यू पुट करिए, पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, अब वैल्यू पुट करने देखो क्या मिलता है, एन की वैल्यू हो गई कितनी 9/2, ए की वैल्यू नहीं पता ऐसा ही रहेगा 9-1, डी गिवन है आपको 5, ये हो गई एस नाइन, ठीक है, एन के जगह पर रखा। अब देखो 9/2 उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 8×5 इक्वल्स टू एस नाइन, कितना गिवन है आपको 75, ये देखिए मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 9/2, क्लियर। अब नेक्स्ट आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 75×2/9, उल्टा इसका हो गया मल्टीप्लाई में। अब क्या होगा, 3 से देखो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, तो इम्प्लाइज ये सॉल्व करोगे 2a प्लस 40 इट विल बी 25×2/3, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a प्लस 40 इज इक्वल्स टू 50/3, ठीक है यहाँ तक। और आगे सॉल्व कीजिए इसको, तो ये आपका आ गया 2a इक्वल्स टू 50/3-40, थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2a इक्वल्स टू एलसीएम हो गया 3, ये आ गया 50-120, क्योंकि यहाँ पर कितना है नीचे में 1, तो ये कितना आ गया, देखिए 2a इक्वल्स टू व्हाट 50-100, देखो तो ये कितना आ जाएगा 70 और 50 कितना हो जाएगा 120, लेकिन 70 तो आएगा लेकिन माइनस में, अपॉन कितना है आपका देखिए 3, ये 2a की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2a की वैल्यू थी, इसको हम करते हैं डिस्कस अभी। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो -70/3 था, 2 इधर आ जाएगा कहाँ डिवाइड में, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू क्या मिल गया, -35/3, मीन्स जो यहाँ से वैल्यू निकाले -35/3 इज द वैल्यू ऑफ a की आ गई। अब से एक आपको फाइंड करनी है a नाइन की वैल्यू, ठीक है। आप an के फॉर्मूला जानते हो, अब क्या लिखोगे, अगेन सिंस
ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ए नाइन निकालना मतलब एन की वैल्यू कितनी है, नाइन, तो इम्प्लाइज ए नाइन क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू निकाल चुके माइनस 35 बाय 3, एन तो पता ही है 9 है, तो 9 माइनस 1 डी कितना है गिवन 5। ठीक है देखो तो सॉल्व करिए क्या मिलेगा आपको, ए नाइन इक्वल्स टू माइनस 35 बाय 3 प्लस 8 इंटू 5, तो यहाँ से ए नाइन क्या हो जाएगा माइनस 35 बाय 3 प्लस 40। फिर से एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम नीचे में क्या हो जाएगा, ए नाइन इक्वल्स टू ये आ गया 3, ये आ गया माइनस 35, ये आ गया प्लस का 120। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए नाइन है, अब 120 में से पहले 35 लेके जाओ, देखो यहाँ पर कितना बचेगा, ये कितना आ गया 8, 5 और ये 1। अब यहाँ पर ये होगा प्लस में कि माइनस में, प्लस वाला ज़्यादा बड़ा है इसलिए वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में 85। अब यहाँ पर देखिए 85 तो ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे ऊपर वाला वैल्यू कितना हो गया 85, नीचे में कितना बचा है मतलब 85 बाई 3 किसकी आ गई वैल्यू, ए नाइन की। फाइनली क्या लिखोगे, हेंस वी गेट, हेंस वी गेट। अब यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितनी आई थी, ए इक्वल्स टू माइनस 35 बाई 3 एंड ए नाइन इक्वल्स टू 85 बाय, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट। देख लीजिए फिर से, ठीक है ओके, तो इसको नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सिक्स्थ पार्ट। हाँ जी नोट कर लिया, चलो अब सिक्स में देखिए क्या गिवन है, आपको क्या फाइंड करनी है। सिक्स में आपको गिवन है, सिक्स पार्ट का सॉल्यूशन में गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन दैट देखिए ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 8, ए इक्वल्स टू 2 डी इक्वल्स टू 8 एंड एस एन इक्वल्स टू दे रखा है आपको 90, तो फाइंड करनी है एन और ए एन की वैल्यू, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, एन और ए एन, एन एंड ए एन, इस दो की वैल्यू आपको बतानी है, एन की बतानी है और ए एन की बतानी है। अब सबसे पहले देखो गिवन क्या है, एस एन डी और ए, तो हम सबसे पहले यूज़ फार्मूला किसका करेंगे, अब ट्रिक पहले समझनी है हमको गिवन क्या है, किसके अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे ओके। अब यहाँ देखिए एस एन का गिवन है, तब क्या लिखोगे, सिंस एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला किसका होता है, एस एन का हम जानते हैं। यहाँ पे आपको एस एन की वैल्यू दे रखी 90, ना कि एस टेन एस ट्वेंटी का, तो एस एन का ही लोगे, एन की वैल्यू नहीं पता तो पहले एन की ही निकलेगी, उसके बाद निकालना होगा एन का, तो निकाल लोगे आसानी से फॉर्मूला से। अब यहाँ देखिए वैल्यू पुट करिए, ए का पता है, डी का पता है और एस एन का पता है, तो एन ही बचा अननोन, एन की वैल्यू आ जाएगी, तो पुटिंग द वैल्यूज वी गेट अब क्या मिलेगा, एन नहीं पता है तो ऐसे ही रहेगा, ए पता है 2, फिर एन नहीं पता, डी पता है कितनी आपकी 8 और एस एन गिवन है आपको 90, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये 2 चला गया इधर, ये आ गया 4 प्लस, अब इसको ब्रेक भी कर सकते हो आराम से, देखो कैसे, ये आ गया 8n माइनस 8, ये आ गया 90 और ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आया था ये क्या हो गया 2, ठीक है। अब देखिए ये क्या मिला आपको, n इंटू ये आ गया 4 माइनस 8 प्लस 8n, ये आ गया 180, तो यहाँ से क्या मिला आपको
एन इंटू फोर माइनस एट क्या होता है माइनस फोर, ये क्या है आपका ए टेन, ये क्या आ गया। ठीक है ध्यान से देखो, एन फोर माइनस एट, माइनस का फोर आएगा निगेटिव में, ए टेन वैसा ही रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से, अगर आप हम फोर कॉमन ले सकते हैं, छोटा हो जाएगा इससे कैलकुलेशन, फोर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, फोर कॉमन लोगे एन पहले से है तो फोर टू ज़ा एट, ये टू एन हो जाएगा और ये हो गया वन, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। क्लियर, फोर कॉमन इसलिए लिए क्योंकि आप क्या हो गया कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। अब यहाँ देखिए ए टेन माइनस फोर, इसमें से फोर कॉमन लिए आप, ये क्या हो गया फोर टू ज़ा टू एन माइनस वन, ये ऐसे आता है, कॉमन मीन्स डिवाइड करना होता है उससे पूरे टर्म में, कॉमन हम लिए थे फोर ये आ गया। अब देखिए ये फोर जाएगा कहाँ डिवाइड में, यहाँ क्या मिल गया आपको टू एन माइनस वन इंटू में क्या था एन, फोर चला गया था 180 बाय फोर में, फोर फोर या सिक्सटीन, फोर फाइव सा 20, देखो फोर फोर या सिक्सटीन, टू बचा टू जीरो, फोर फाइव या 20। अब यहाँ से क्या हो गया ये आपका, अब इसको तोड़ो टू एन स्क्वायर, ठीक है माइनस एन इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से जो आपके पास आया इक्वेशन टू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 इक्वल टू जीरो, ये आया इक्वेशन अपने पास, ठीक है उसको नोट करिए, इरेज कर रहा। चलो ठीक है, अब इसको हमको इक्वेशन को सॉल्व करना, अब इक्वेशन में यहाँ पर दो कंडीशन है, क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है दो वैल्यूज आएगा, उसमें से एन की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, नेगेटिव वाला डिजिट होगा, अगर पॉजिटिव है तो दोनों के स्लो है। अब देखो ये क्या आ गया टू एन स्क्वायर, इसको तोड़े और माइनस एन है ही, ये प्लस 45 रह जाएगा तो माइनस 45। अब इसको हमको करना है फैक्टराइज, फैक्टराइज कैसे करोगे, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई रूल यही है, ये कितना आ गया 90, हम उसका 90 के फैक्टर्स लेते हैं, 10 इंटू 9 हुआ मेन ये। अब यहाँ अगर इसको देखोगे तो अगर हम इसको ऐसे लें माइनस 10 प्लस 1, ये आपको माइनस 9 आता है, ये आपका सॉरी माइनस 10 प्लस 9 था, ये आपका माइनस 1 आता है, माइनस 1 आपका हो गया, और भी था इसका 13 इंटू 3, लेकिन यहाँ पर सूटेबल आपका कौन है 10 इंटू 9, वो भी किस में लेना है आपको 10 को माइनस में इसको पॉजिटिव में, तो आप इसको तोड़ोगे तो ये क्या मिलेगा देखिए 2n² माइनस 10n प्लस 9n और माइनस 45 इक्वल टू ज़ीरो, ये ब्रेक करने का रूल होता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में बताएंगे ओके आगे। अब यहाँ देखिए इसमें कॉमन क्या लोगे 2 और n, तो 2n यहाँ पे कॉमन लिए तो 1n बचा और यहाँ पे 5, क्लियर। फिर यहाँ पे आप 9 कॉमन लोगे, यहाँ n बचेगा 9 5 45। अब यहाँ फिर से देखिए n माइनस 5 दोनों में क्या आ रहा कॉमन, ये क्या हो गया n माइनस 5 कॉमन लोगे तो यहाँ से मिला 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एन माइनस 5 इक्वल टू 0 आया और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 आया, यहाँ से आपको n की वैल्यू क्या मिल गई 5, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आपकी आएगी माइनस 9 बाई 2। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जो n की वैल्यू जो आई दोनों है इसमें से लोगे ये लोगे क्यों, रीज़न देना पड़ेगा, तो लिखोगे सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर जो है काउंटिंग वो नेगेटिव नहीं, अगर हम ऐसा बोले माइनस टू पेन, दो कलम बोलोगे ठीक है मैं दो पेन है मेरे पास, माइनस टू पेन दैट इज मीनिंगलेस, इस तरह से यहाँ नंबर हम काउंट करें दैट इज मीनिंगलेस ऑल्सो, इसलिए यहाँ पे एन नेगेटिव नहीं हो सकता। सो एन की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 5। अब ये देखिए एन की वैल्यू जो था आपका ये कितना आ गया 5। अब इसने कहा एन की वैल्यू आप ले और आपको फाइंड करनी ए एन की वैल्यू, अब अगेन क्या जानते हो फॉर्मूला एन वाला, अगेन सिंस ए एन की फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
ये आ गया। अब वैल्यू सारा पुट कीजिए, पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज वी गेट क्या मिलता है भाई, देखो एन तो रहेगा ही, ए की वैल्यू कितनी है 2 दे रखा, प्लस एन माइनस वन एन आ गया 5, और डी कितना है देखो डी इज 8। क्लियर, इसको ज़रा नोट करिए, रिज कर रहा है इधर, डी तक तो वैल्यू आ गया आपका। अब यहाँ देखिए, ठीक है, अब वहाँ से क्या आएगा, ए एन का वैल्यू इम्प्लाइज ए एन क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 8, तो यहाँ से आ गई ए एन की वैल्यू 2 प्लस 8 4 इज़ 32, तो यहाँ से ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 34। ठीक है, दोनों आ गया, तो क्या लिखोगे फाइनली, हेंस वी गेट, हेंस वी गेट क्या मिला, तो एन की वैल्यू सबसे पहले, तो एन की वैल्यू कितनी आई थी 5, एंड ए एन की वैल्यू कितनी आई थी 34, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, और बाकी क्वेश्चन इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू मैनेज एंड टेक केयर।